फिलिपियों तीसरा अध्याय 1 से लेकर 11 तक का वचनों को पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वाला से चौकस रहो, उन काट कूट करने वाला से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो आमी है जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इसराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलिशिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोषता। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने की मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यीशु मसीह की नाम की महिमा हो। आज यहाँ हम वचन देखते हैं, घमंड करना, मसीह यीशु पर घमंड करना, क्योंकि दूसरा कोई भी बात हमें परमेश्वर का योग्य नहीं ठहराएगा। केवल हम यीशु मसीह के द्वारा ही हम धर्मी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ कोई लोग अपने शारीरिक कामों पर, शारीरिक पर घमंड कर रहे हैं। यही यहाँ पौलुस लिखता है, ऐसे लोगों से सावधान रहो, चौकस रहो, कुत्ता से चौकस रहो, बुरे काम करने वाला से चौकस रहो, क्योंकि कुत्ता क्या करता है, जो उल्टी किया है उसको वापस जाकर चाटता है। लेकिन हम ऐसा नहीं, जो गंदे ही है, जो लाभ नहीं है, जो हमारे लिए योग्य नहीं है, उस जो हमें धर्मी नहीं ठहरा जाता है, ऐसे ऐसे बातों से हम छोड़कर छुटकारा पाकर अभी हम सही मार्ग में, सच्चाई में हम चल रहे हैं। लेकिन लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे लोग आकर भटका रहे, वंचित कर रहे। इसके लिए यहाँ पौलुस ऐसे बातों को लिखता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम भी सावधान से रहना है, जो मसीह को छोड़कर अपने शरीर पर, शरीर का कामों पर घमंड करना, क्रिया करने के लिए जो भी लोग आकर सिखाएंगे, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपका कर्मों से आप धर्मी नहीं ठहराएंगे। आपका धार्मिकता परमेश्वर के ओर से मिलता है, मसीह के द्वारा ही हम धर्मी बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पौलुस लिख रहा है, हम मसीह पर घमंड करना। वही यहाँ पौलुस बता रहा है, कतने वाला तो हम ही है। लोग बोल रहे हैं हमारा सर, हम तो कतना करना है, वो करना है, ये करना है करके बोल रहे, लेकिन हम कतने वाले क्यों? हमारा हृदय पर, हमारा हृदय पर, हमारा आत्मा में हम नया हो गया, हम पूरा तरह से नया हो गया, अभी हम नया वाचा के अंदर हम प्रवेश हो गया। यही यहाँ पौलुस बता रहा है। लेकिन वो लोग आकर आपको भरमाएंगे, आपको कतना करना है, वो करना है, ये करना है, ये सब करने से कुछ भी हमको धर्मी नहीं है, धर्मी नहीं बनाएगा।
क्योंकि पौलुस ये सारा काम किया है, यही यहाँ बता रहा है। अगर शरीर पर, शारीरिक बातों पर घमंड करना है तो ऐसे कोई लोग ऐसे विचार रखते, घमंड करते, लेकिन मैं भी घमंड कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी आठवें दिन में, जैसा इसराइल का, इसराइल में ऐसे होता है, जो बच्चे जन्म होते हैं आठवां दिन उसको क्या करते हैं, खतना करते हैं। ये सब मेरा भी हुआ, वही बोल रहा है पौलुस, मेरा भी हुआ। शरीर पर घमंड करना है तो मुझे भी हुआ, मैं भी इसराइल वंश का हूँ, बिन्यामिन का गोत्र का हूँ और इब्रानियों का इब्रानी हूँ, क्या चाहिए। और मैं भी सब कुछ था, ये सब कुछ वो भी था, कलिशिया को सताने वाला था। उत्सव के विषय में यदि कह तो कलिशिया का सताने वाला और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था, क्योंकि वो व्यवस्था के अनुसार चलने वाला इंसान था। लेकिन वो सब करते हुए वो कोई भी कामों से वो तृप्त नहीं हुआ, वो परमेश्वर का सामने उसको वो योग्य नहीं ठहराया। इसके लिए वो पौलुस को ये बातों को हिम्मत से वो बताता है, ये शारीरिक काम से, शारीरिक कामों से लोग घमंड कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं है। मसीह पर, मसीह यीशु पर घमंड करना, हम उसी में घमंड करते हैं। क्योंकि क्यों हम घमंड करना, क्योंकि वही हमको धर्मी ठहराया, उसी का द्वारा ही हम धर्मी ठहराया। उसके तुलना पर कोई भी चीज़ों को आप रख नहीं पाएंगे, आप जितने भी काम कर्म करेंगे। पौलुस इस प्रकाशन को अपने जीवन में पाया था, इसके लिए वो हिम्मत से कहता है जीना मसीह के लिए। आप फिलिप्पियों 1:21 में, फिलिप्पियों का पहला अध्याय 21वां वचन में आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मतलब मैं जीना मसीह के लिए है, मेरा जीवन मसीह के लिए है, मैं जीना मसीह के लिए। आज बहुत लोगों के अंदर यही विचार चलता है। आप पूछिए उनसे जाकर, आपका जीवन का मकसद क्या है, आप किसके लिए जी रहे हैं। लोग ऐसे बोलते हैं, मेरा परिवार के लिए मेरा जीवन मैं बिता रही हूँ, पता है मेरे बच्चे लोग ही मेरा जीवन है, उसी के लिए मेरे जीवन बिता रहे। कोई कोई लोग बोलेंगे, मेरा पढ़ाई, मैं ऐसे ही पढ़ाई करूँगा, ऐसे ही उच्च स्थान पर मैं रहूँगा, ऐसे ही मैं पाऊँगा, उनका मकसद वही है। कोई लोग ऐसे अपना इतना कमाना है, इतने पैसा के लिए, इतना धन कमाना है, कमाना है, कमाना है, उन्हीं के लिए उसका जीवन है। कोई लोग इधर उधर घूमना उनका लक्ष्य होता है, मकसद वही मकसद होता है। तब ये सब अंदर, वो लोगों के अंदर रहता है, उनका जीवन में क्या होता है मालूम है, निराशा हो जाते, दुख हो जाते, दुख में उनका जीवन चला जाता है। ये सब एक समय आएगा, एक समय तक अच्छा से ठीक ठाक चलेगा, लेकिन बच्चे लोग सब बड़े होंगे, अपना अपना परिवार बनेंगे, वो लोगों के धोखा हो जाता है। ये लोग बोले हैं, जो मेरा आज बच्चा ही मेरा जीवन का मकसद है, लेकिन अभी बच्चा ही दूसरा जगह पर चला गया। कोई लोग बोलेंगे, ये मेरा लक्ष्य है, सब चीज़ बदलेगा, सब चीज़ नाश हो जाएगा। ये दुनिया में जो जो चीज़ आप कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ नाश हो जाएगा, लेकिन मसीह को विश्वास करना, मसीह आपका जीवन का मेन मकसद वही है, जीवन का मकसद आपको मसीह हो जाएगा। आप देखिए आपका जीवन में आनंदी आनंदी, कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो। यहाँ पौलुस देखिए, वहाँ वो अरेस्ट किया गया, उसको कैदी बन के वहाँ रहता है, बांधा हुआ अवस्था में भी वो ऐसे बातों को कह सकता है, तो वो क्यों ऐसे वो बातों को करने को उसको हिम्मत, उसको कहाँ से उसको ऐसे मिल रहा है, क्योंकि वो मसीह को अपना जीवन का मकसद बनाया, उसी में वो घमंड कर रहा है, इसलिए वो बता रहा है मसीह में आनंदित रहो, ऐसे ऐसे लोगों से आप चौकस रहो, सावधान रहो, बचकर रहो, कुत्ते लोगों से, बुरे लोगों से। आज भी रहते हैं गलत उपदेश, सच्चाई से भटकाने वाला से आप बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा, सावधान से रहना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है, सच्चाई को जानना है, जानना है, सिर्फ दिमाग से नहीं, मुझे ये सब पता है, पता होने से बस इतना नहीं, पहचानना है,
पहचानना इसको कैसे ही, मतलब ऊपर ऊपर से तो सबको ये वचन पता है, वो वचन पता है, ये वचन पता है, ये पता है, वो पता है, सब बोलेंगे, लेकिन वचन को पहचानना है, जानना है। हम देख रहे हैं जैसा यीशु मसीह मरा, तीसरा दिन जी उठ गया, पुनर्तान होने के बाद वहाँ बहुत पूरा हलचल हो रहा है, तब वहाँ लोगों के अंदर, चेले लोगों के अंदर बहुत घबरावट हो गया, अभी क्या चल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं यीशु जी उठ गया, ऐसे हो गया करके। तब उस समय दो चेले लोग एक एम्माऊ करके एक गांव के तरफ वो लोग जा रहे, तब वो जाते समय वो लोग अपने बहुत निराश में बात करते, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, जो हो रहा है उस बातों को लोग बोल कर जा रहे। तब यीशु पुनर्तान हुआ, यीशु उनके पीछे पीछे आते हुए हर एक बातों को उनको विवरण से पवित्र शास्त्र से उनको बताता है, वो लोगों को हाँ हाँ करके। उसके बाद वो यीशु मसीह अपने बारे में जहाँ जहाँ पवित्र शास्त्र में उसका मृत्यु के बारे में, पुनर्तान के बारे में लिखा, वो हर एक बातों को बताते बताते हुए वो लोग सोच रहे हाँ उसी में लिखा, हाँ करके वो लोग मतलब उसको जान रहे। तब वहाँ देखिए वो लोग को यीशु ने कहा, उनको बता रहा है निर्बुद्धि ना रहो, आज हम भी बुद्धिमान बनना है। बुद्धिमान कैसे बनेंगे, मसीह को जानना है, और भी वही हमारा जीवन है, और भी जानना है। अब जितने आज हम बोलते मैं तो जानता हूँ, मैं तो बोल, लेकिन हम जितना मसीह को हम जानेंगे उतना ये सारा बात जो चीज़ों का ऊपर हम घमंड कर रहे वो सब हमको कूड़ा दिखने लगेगा। अरे ये तो कचरा है, इसके तुलना में तो ये तो कुछ भी नहीं है। आप जितना जानकारी पाओगे, इतना आप जानोगे, उतना ये सारे चीज़, ये दुनिया का चीज़ सब आपको, आप जिस बातों पर ये मेरे लिए घमंड है, ये मेरे लिए अच्छा है करके जो बड़ा आपको लग रहा है वो सब आपको कूड़ा दिखने लगेगा। मसीह के सामने तो ये तो कुछ भी नहीं है। आज हम देख रहे हैं बहुत लोग सेवकाई 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 करके उसी में भी कोई लोग घमंड कर रहे, नहीं जीना मसीह के लिए। कोई लोग ऐसे बोलते, मैं कोई लोग बोलते सुनी हूँ ऐसे ही बोलते, हम जैसी सेवकाई के लिए हम जी रहे हैं, जीवन भर हम सेवकाई करेंगे, लेकिन वो भी ऐसी निराशा हो जाते वो लोग, लेकिन मसीह के लिए जिएंगे हम, कोई भी परिस्थिति में हम आनंदित रह सकते हैं, हम घमंड कर सकते हैं। हम घमंड करना है तो मसीह पर घमंड करना है, कोई भी चीज़ों को, कोई भी लोगों के ऊपर, कोई भी पढ़ाई के ऊपर, ये सारा दुनिया में मिलने वाला ये सारे बातों के ऊपर घमंड ना करो, प्रभु पर घमंड करो, यीशु के ऊपर घमंड करना, ये यहाँ पवित्र शास्त्र में सिखाता है। आज पवित्र आत्मा और भी हमको मसीह को जानने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए वो हमें सहायता करता है। वहाँ देखिए उनको यीशु ने उनका रोटी तोड़कर उनको दिया, उनका आँख खुल गया, दोनों चेला का आंख खुल गया। तब वो लोग ने बोल रहे हैं अरे, तब यीशु ने रास्ता पर हमको ये सारे बातों को बताया, तब हमारा हृदय कितना उत्साहित हुआ, हमारा मन के अंदर उत्तेजना का वो एक उत्साहित, एक हमारा मन एक प्रकाश होने लगा, कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे करके वो लोग बता रहे थे। प्रभु का जितना जानेंगे हम प्रकाश पाएंगे जरूर। ये सारा अभी हमारा मन में, आपके मन में क्या चल रहा है, यही हमारे लिए भला है, यही हमारे लिए अच्छा है करके आप जो चीज़ को आप मन में बड़ा सोच रहे हो वो सब आपका कूड़ा दिखने लगेगा। यहाँ पौलस शरीर पर घमंड करना है तो वो भी कर सकता है, लेकिन वो सब उसको धर्मी नहीं बनाया। जिस दिन मसीह का प्रकाशन को पाया उसी के द्वारा वो धर्मी ठहरा गया, क्योंकि इंसान का खुद की धार्मिकता वो कैसे होता है, मेल है, ऐसे मेल बोलते ना, पूरा ऐसे गंदा है, पूरा मेल मेल भरा हुआ, ऐसे गंदा है, वो फटा हुआ है, ऐसे पूरा फटा हुआ कपड़ा को देखिए कैसे पूरा फट गया, ऐसे ही हमारा धार्मिकता है। इंसान जितने भी भले काम करे, अपने खुद के बल से ये करे, वो कुछ भी करे, वो सब फटा हुआ कपड़ा के समान है, मेल से भरा हुआ, गंदा से भरा हुआ कपड़ा के समान है, वो डकेगा नहीं, वो चमकेगा नहीं, और मुरझाने वाला सूखने वाला पत्ता के समान है। हम देख रहे पहले उत्पत्ति में आप देखिए आदम को
परमेश्वर के साथ कितना प्रेमी रिश्ता में, संगति में था, पवित्र जीवन में था, वहाँ उनके ऊपर एक महिमा था। तब जब पाप उसके अंदर प्रवेश हुआ, तब देखिए वहाँ उसका महिमा से रहित हो गया। पाप के द्वारा उसके ऊपर जो महिमा था वो महिमा हट गया, क्योंकि पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, वहाँ उसका महिमा हट गया। तभी वो क्या सोच रहा है, जब अभी हम तुरंत अभी जाकर परमेश्वर आने के पहले हम क्या कर लेंगे, इस महिमा को हम वापस पा लेंगे करके वो लोग ने क्या किया, इस नंगापन को हम छिपा देंगे, हम महिमा पा लेंगे। ऐसे करके वो लोग वहाँ से जो भी पत्ता ढूंढ रहे, फटाफट दोनों क्या किया, उसको कपड़ा जैसा बीन कर उसको सिलाई करके वो लोग डाला। तब क्या होगा, पत्ता क्या होगा, उसका नंगापन को बंद नहीं कर पाएगा, पूरा कैसे सूखने लगेगा, मुरझाने लगेगा, फटने लगेगा। यही है, वही आदम, आज भी हमारे अंदर यही होता है। हम सोच रहे हम अपना, इसराइल लोग भी वही किया, अपने खुद की धार्मिकता को, कामों से लोग धर्मी बनने के लिए ये किया, परमेश्वर का धार्मिकता के आदि नहीं आया, वो लोग बात नहीं माना, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया, वही मार्ग यीशु है, वही हमारा सच्चाई है। लेकिन वो लोग क्या है, उसके आधीन, परमेश्वर के धार्मिकता के आधीन वो लोग आना नहीं चाहा। वो लोग ऐसे मतलब धर्मी होने के लिए वो लोग प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन सही नहीं है उनका प्रयास, ढूंढ रहे हैं। वही आप रोमियो 9 अध्याय में आप उस वचन को आप देख सकते हैं, 9:31 में आप पढ़ सकते हैं, परंतु इसराइली जो धर्मी की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुँचे, किस लिए, इसलिए कि वह विश्वास से नहीं परंतु मानो कामों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस टोकर के पत्थर पर टोकर खाई, मतलब खोज तो कर रहे हैं, आज भी देखिए लोग मतलब खोज कर रहे हैं, धर्मी होने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सही मेहनत नहीं है, सही खोज में लोग नहीं है। ये सच्चाई की खोज में लोग रहेंगे जरूर, ये वचन को लोग जानेंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, मानेंगे, आदीन हो जाएंगे, बहुत आज़ादी से उनका जीवन आनंद से रहेगा। यही हम पौलुस बता रहे, आनंदित से रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि उनको पता है जीना मसीह के लिए। आज मेरे प्रिय भाई बहन, वो वचन फिलिप्पियों 1:21 केवल कोई सेवक के लिए सिर्फ पता है ऐसा नहीं, हम सब के लिए है, पौलुस को ही बताया ऐसा नहीं। जो मसीह लोग जब मसीह में नया जन्म पाते हैं, सबके लिए वही वचन है, हर दिन जीना मसीह के लिए। आज हमारा मकसद क्या है, मसीह के लिए मैं जीऊंगी, मसीह के लिए मैं रहूंगी। आप जो भी काम कर रहे हो मैं मसीह के लिए करूंगी, खा रहे हो पी रहे हो जो भी कर रहे हो मसीह के लिए, मसीह के लिए, जो भी आप काम कर रहे हो मसीह के लिए करना है, जीना मसीह के लिए। ऐसे आप रहेंगे, आपका जीवन आनंद से रहेगा, खुशी से रहेगा। इसलिए आज वो पुनर्तान का सामर्थ, उसके साथ हम जुड़ गया, पाप के लिए मर कर अभी हम पुनर्तान के सामर्थ के साथ हम जुड़ गया। इसलिए आज ऐसे ही शरीर पर घमंड करना, शरीर के बातों पर, शरीर पर मन लगाना छोड़कर आज हमारा मन परमेश्वर के और उसके धार्मिकता के और उसके राज्य के और हमारा खोज रहे, उसके और हमारा खोज रहे, हम उसके साथ जिलाए गए, अभी हम स्वर्गीय स्थानों पर हम बिठाया हुआ है। इसलिए हम ऊपर की तरफ हमारा खोज रहना चाहिए, ये नाश होने वाला चीजों के ऊपर हमारा खोज नहीं है। आज इस बातों पर हम विश्वास करेंगे जरूर, हम हमारे लिए आज लो जो हमारे लिए आज जो चीज लाभ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा लाभ है। ऐसे आप सोच रहे हो, आप रख कर देखिए, लाभ जो सोच रहे हो वो आपके लिए कूड़ा दिखेगा। यही पौलुस का जीवन में हुआ। आज हम देख रहे हैं हमारा देश में कितने मिशनरी लोग आए, उन लोगों से जाकर आप पूछिए, आप हमको लग रहा है वो लोग कितने मतलब बहुत बड़ा त्याग किया और
वो लोग कितना सब छोड़कर अपना घर गांव धन सा पढ़ाई सब छोड़कर हमारे लिए कितना वो लोग आया, कितना नम्र होकर हमारा देश में आकर रहा, सेवकाई क्या करके, हम सोचते हमको बड़ा लग रहा है, लेकिन आप उनसे जाकर पूछिए, वो लोग बोलेंगे ये सब हमारे लिए कुछ नहीं है। उनको तो वो कचरा दिखेगा, पढ़ाई उनका जो भी छोड़ के आया वो चीज़ सब उनको कूड़ा दिखेगा, कचरा दिखेगा। आज मेरे प्रिय भाई बहन, हम भी ऐसे ही प्रभु में, मसीह में हमारे लिए मिला हुआ इस स्वर्गीय आशीष का सामने, ये सब हमें कुछ नहीं, ये सब देखिए दुनिया में को पढ़ाई चाहिए, धन चाहिए, सब चाहिए, लेकिन वो पहले स्थान नहीं रहना है, वो आपका मसीह का जगह को चोरी नहीं करना है, वो आप सावधान से रहिए। जितना आप और भी मसीह का, उनका वचन का, उसका प्रेम को आप जानते रहेंगे, आप पीछे मोड़ कर देखिए सब जी, इतना हम भी किया था क्या, हम भी ऐसे ही था क्या पहले, जो लाभ है ही नहीं है, ये सबको मैंने बहुत बड़ा सोचा था, मैं बड़ा सोची थी, ऐसे उसी बातों पर मैं कितना कमेंट करती थी, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि वो सब कूड़ा है, क्योंकि आप जान लिया, सच्चाई को जान लिया, सत्य को जान लिया, मसीह को जान लिया, उसके सामने आप जो पकड़ के रखे वो चीज आपको ये लग रहा है, इसलिए पौलुस बोल रहा है ये सब मेरे लिए जो भी मैं हानि समझ रहा हूँ ये सब कुछ नहीं है मेरे लिए, मसीह जीना, मेरा जीना मसीह के लिए, मेरा जीना मसीह, मेरे जीवन का मकसद मसीह है, अभी मैं नहीं हूँ, कलातियों 2:20 में बोल रहा है मैं नहीं हूँ, मसीह मुझ में जीवित है। आज हमको भी यही कहना है, केवल पौलुस बताया बस इतना ही नहीं, क्यों वचन में पवित्र आत्मा हमको लिख के रखा, ये सब सच्चाई के अंदर वो हमें लेके जा रहा है, वो हमें सिखाने के लिए वो तैयार है, लेकिन आज हमको उसके और उसके आदिन में हो जाना, जैसा परमेश्वर का धार्मिकता के आदिन हम हो जाएंगे, हम धर्मी हैं, वो हम खुश है, आज उसी आदिन होना है, आदिन होने के लिए हमको सीखना है, हम परमेश्वर का वचन के आदिन होना है, पवित्र आत्मा के आदिन होना है, तब देखिए आप आनंद से रहेंगे, खुशी से रहेंगे, कोई भी उपद्रव क्लेश दुनिया में आएगा लेकिन मसीह में हम आनंदित रहेंगे, इसलिए आज हमको घमंड करना है, मसीह में घमंड कर विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आज हमारा पुनर्थान के सामर्थ, मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वही पुनर्थान का सामर्थ आज आपके अंदर है, मेरे अंदर कार्य कर रहा है, इस नश्वर देह को जिलाएगा। आज हमें क्या अधिकार मिला, क्या आशीष मिला है, आज हमारा इस प्रकाशन को आज हम पाएंगे, प्रकटीकरण को हम पाएंगे, जानेंगे, जानना है, पहचानना है, सब दिमाग से मुझे सब मालूम है, ये नहीं, हमको पहचानना है, उसको हम जानना है, तब हम देखिए ये सब अभी जो आपको बड़ा दिख रहा है वो सब कूड़ा दिखने लगेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु, आज इस पवित्र वचन के द्वारा आप हमसे बात किया, हमारे अंदर जो बड़ा, ये मेरे लिए लाभ है, ये मेरे लिए बड़ा है करके हम जो सोच रहे, प्रभु आपका प्रेम के सामने, आपका जीवन का सामने ये कुछ भी हमें नहीं है प्रभु, और भी हमें जानने के लिए, आपको जानने के लिए, और भी हम आपको जानने के लिए, मुझे मेरे प्रिय भाई बहन को आप मदद कीजिए प्रभु, हमारा घमंड करना मसीह यीशु में हम घमंड करें प्रभु, मसीह यीशु में हम घमंड करें, मसीह यीशु में हम घमंड करें। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते, आपके हाथों में हर बातों को मैं समर्पण करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन।